सैटेलाइट आप स्टार्ट कर चुके हैं ऑलरेडी बेटा, ऑर्बिटल वेलोसिटी यू हैव कैलकुलेटेड, आपको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कर रहे थे ना बेटा, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, और आई होप कि इसमें हमने डिस्कस किया होगा ऑलरेडी, इनको जियो सिंक्रोनियस सैटेलाइट भी कहा जाता है बिकॉज इनका जो टाइम पीरियड है दैट हैज बीन सिंक्रोनाइज्ड विद दैट ऑफ द अर्थ, दैट इज इट्स टाइम पीरियड इज 24 आवर्स बेटा अपने ऑर्बिट में मूव करने का, और अर्थ का टाइम पीरियड अपने एक्सिस के राउंड अबाउट रिवॉल्व करने का वो भी 24 आवर्स है, और अगर कोई ऑब्जर्वर अर्थ की सरफेस पे प्रेजेंट है उसको ये स्टेशनरी अपीयर होगा, दैट्स व्हाई इट्स नेम इज बेटा जियो स्टेशनरी, बेटा जियो सिंक्रोनियस या जियो स्टेशनरी आप कह सकते हैं। ऑर्बिटल वेलोसिटी आपने ऑलरेडी इसका कैलकुलेट कर लिया है ना बेटा, और टाइम पीरियड भी आपने कर लिया। मैं टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन लिखता हूँ, आप चेक करिएगा कि कोई टर्म ज्यादा या कम तो नहीं हो गई है। टाइम पीरियड टी दैट वाज 2 pi अपॉन आर स्क्वायर रूट ऑफ इट वाज योर आर प्लस एच का क्यूब अपॉन जी, जरा चेक करिएगा यही था कि कुछ और था है? यहां पे ऐसे करिए आप बेसिक एक्सप्रेशन बोल दीजिए, मैं स्मॉल आर की जगह पर ये वैल्यू पुट करके बोल रहा था, आप टी इज इक्वल टू बोल दीजिए बेटा 2 pi स्मॉल आर अपॉन बी। चलिए यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं, आपका मतलब है कि शुरू से कर ले है ना। ऑर्बिटल वेलोसिटी बच्चों आपने निकाला था जी एम अपॉन स्मॉल आर अंडर द रूट निकाला था बेटा, यही है चेक कर लीजिएगा एक बार, जी एम अपॉन स्मॉल आर अंडर द रूट आपने ये निकाला होगा, यही है ना बेटे। इसकी वैल्यू आप ऑर्बिटल वेलोसिटी की यहां पे सब्स्टिट्यूट कर रहे थे और आपके पास आ गया था टी इज इक्वल टू 2 pi एंड ये आपका आर, चलिए पहले एक बार ऐसे लिख लेते हैं जी एम अपॉन स्मॉल आर और अंडर द रूट, और आपने इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लिया था एक्सप्रेशन को, टी दैट वाज 2 pi स्क्वायर रूट ऑफ आर आपका एडजस्ट हो गया था कुछ इस तरीके से, और जी एम को आपने एज सच रहने दिया था, और जी एम आपको बार बार मिलता है, इसको आप जी आर स्क्वायर लिखा करते हो ना बेटा, बोला करो पुत्र। तो आई थिंक मैंने यही लिखा था पहले भी, इसको आर को मैंने बाहर कर दिया था ना। तो टी 2 pi अपॉन आर, ये आर का स्क्वायर है ना बेटा, एक आर बाहर आ जाएगा, और आर का क्यूब अपॉन जी, तो यहां पे मैंने R प्लस एच करके लिख दिया था, तो आपको शायद लगा होगा कि पता नहीं कहां से आ गया ना। सो T 2 pi अपॉन R स्क्वायर रूट ऑफ R प्लस एच का बेटे क्यूब डिवाइडेड बाय G, यहां से मैं स्टार्ट करने की कोशिश में था, तो चलो स्टेप्स रिपीट हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना बेटे। हमें कई बार जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की बेटे जो हाइट है इसकी जरूरत पड़ती है, निकालनी पड़ती है कि हमारा जो जियो सिंक्रोनियस या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है कौन सी हाइट पे अर्थ की सरफेस से कितनी हाइट पे है। सो फॉर दैट बेटे आप इस एक्सप्रेशन ऑफ द टाइम पीरियड जो आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसको स्केयर कर दीजिए थ्रू आउट बेटा, इसका कुछ नाम रख लो 1, 2, 3 कुछ ऐसे, और इसको आप स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स कर लीजिए। स्केयर करने पे इट विल बी बेटा टी का स्केयर इज इक्वल टू 4 pi का स्केयर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर का स्केयर,
और रूट के साथ आपका स्क्वायर बेटे कैंसल आउट हो जाएगा। डियर चिल्ड्रन ये बेटा जरा देखिएगा ऐसे आ रहा है, स्क्वायर रूट खत्म हो गया और तो कुछ भी नहीं किया हमने, स्क्वायर करने पे स्क्वायर रूट आपका खत्म हो गया है ना। अब आप क्या करिए कि ये जो क्यूब वाली टर्म है इसको इधर ही रहने दो, बाकी सारा कुछ इधर शिफ्ट कर लो। इट विल बी टी का स्क्वायर, आर का स्क्वायर भी इधर आ जाएगा, जी भी आ जाएगा एंड इट्स 4 पाई स्क्वायर, आर प्लस एच का बेटा क्यूब आ गया। उल्टा करके लिख दें, हाँ वंश एंड वैभव कुछ कह रहे हैं दोनों लेकिन दबी दबी आवाज में हैं? बता दिया करो भाई, कोई बात है आपकी कहने वाली को बताया करो, कोई है दिक्कत? वंश वंश आप हो है ना, वो वैभव ठीक है, वैसे नाम सबके मुझे अभी पता नहीं बाकियों के भी ठीक है, धीरे धीरे आप बता देना सारे स्टूडेंट्स सो दैट की एटलीस्ट नाम तो पता होना चाहिए ना, आप काफी टाइम के बाद आ रहे हो स्कूल तो इट शुड बी वेल नोन। आइए बेटे अब इसका क्यूब रूट ले लीजिए दोनों तरफ, आपका क्यूब रूट लोगे तो ये क्यूब के साथ क्यूब रूट इधर खत्म हो गया। लिख लीजिए बेटा टेकिंग क्यूब रूट बोथ साइड्स में, ये आपका आर प्लस एच लेफ्ट साइड पे बच गया, क्यूब के साथ क्यूब रूट खत्म हो गया बेटा, टी का स्क्वायर आर का स्क्वायर एंड जी डिवाइडेड बाई 4 पाई का स्क्वायर। बच्चों ऐसे कर दूं कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है राइट right? अब आप इस आर को भी राइट साइड पे एडजस्ट कर लीजिए, आपका एच जो है इट विल बी टी का स्क्वायर आर का स्क्वायर स्मॉल जी अपॉन 4 पाई का स्क्वायर सारे की पावर 1/3 माइनस बड़े वाला आर। ये बड़े वाला आर क्या था हमारा बेटा? यस, तो इनकी देखिए ये आपको पता है, ये पता है, ये पता है, ये भी पता है, टी भी पता है, टाइम पीरियड अगर आपका सैटेलाइट जो है ये किसी पर्टिकुलर हाइट पे या किसी पर्टिकुलर ऑर्बिटल वेलोसिटी के साथ ऑर्बिटिंग कर रहा है तो आप इसकी वैल्यू भी निकाल लेते हैं 2πr/V0 करके। और बेटे जब आप अपने जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की बात करते हो तो उस केस में तो आपका जो टी है इट शुड बी 24 आवर्स होना चाहिए बेटा। हम जनरल सैटेलाइट्स के बारे में तो अदरवाइज बात कर सकते हैं कि अगर कोई जियो स्टेशनरी नहीं है उसकी हाइट आपको ढूंढनी है तो उसका टाइम पीरियड आप यूज कर लीजिए, और अगर ये जियो सिंक्रोनियस है तो इट मस्ट बी 24 आवर्स बेटा। और 24 आवर्स के ये बच्चों बन गए सेकंड जी है ना, और जी की वैल्यू आप जानते हैं 9.8 × 10^2 कितनी होती नहीं है, देखो आप बोल रहे ही नहीं, 9.8 m/s के नहीं होती टेन रेस पर जीरो लिखना पड़ेगा ना अदरवाइज तो फिर नहीं लिखेंगे। और रेडियस ऑफ अर्थ बेटा लिखवाएंगे आप कितने किलोमीटर के मीटर भी तो बनाने पड़ेंगे, तो ये आपका 6.4 × 10^6 m। कोई पैरामीटर आपका रह तो नहीं गया, देखिए वैभव आप शरारतें कर रहे हैं, वैल्यूज पुट करोगे आप सारी करिए फिर निकालिए देखें क्या आता है, सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए इस एक्सप्रेशन में, आपके पास हाइट ऑफ द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट आ जाएगा, करके देखिए कर पा रहे हैं कि नहीं प्रेजेंटली। वैभव बताइए कितना आया, मुश्किल होगा कैलकुलेट करना क्योंकि पावर भी 1/3 है,
और ये प्रोडक्ट भी काफी बड़ा है, तो मैं अपनी तरफ से लिख देता हूँ, घर पे जाके आप इसको सॉल्व करके जरूर देखिएगा बेटा। ये आपका जो हाइट है ये 35,960 किलोमीटर आएगा, अप्रोक्सीमेट अगर आप कर लोगे तो ये 36,000 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ आ जाता है। ये फैक्ट आप फिगर को याद रख लेंगे तो बड़ी खुशी वाली बात होगी, नहीं तो फिर आपको कैलकुलेट करके लिखना पड़ेगा बेटा। तो एक बार कैलकुलेट कर लेना घर पे जाके जरूर, फिर आपको भूलेगा नहीं कि कितनी इसकी वैल्यू थी, राइट बेटा। सो इस तरीके से बेटे आप अपना जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है इसकी जो हाइट है इसको बेटे वर्कआउट कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो, निकाल सकते हो। और फर्दर मोर बेटे बिफोर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड अपॉन आवर एनसीईआरटी एक्सरसाइज, आपके जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के साथ हम बेटे लॉन्ग टर्म वेदर फॉरकास्टिंग के लिए इसको यूज करते हैं, और आपकी जितनी भी कम्युनिकेशन है वो इन सैटेलाइट्स की हेल्प के साथ ही पॉसिबल हो पाती है। आजकल देखिए कुछ टाइम ऐसा है कि चाहे कोई स्टूडेंट है या नहीं है, मोबाइल या स्मार्टफोन या ऐसा डिवाइस उसके बिना किसी का काम नहीं चल पाता। आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट वर्क कैसे करेंगे। ये आपका अपना प्लेनेट बच्चों अर्थ है, अर्थ की सरफेस से 36,000 किलोमीटर ऊपर चले जाइए चारों तरफ, एक ऑर्बिट बन जाएगा ये 36,000 किलोमीटर की हाइट पर एक बेटा पर्टिकुलर ऑर्बिट बन गया। आपने इस ऑर्बिट में ये आपका जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, ठीक है जी, एक इधर भी है एक इधर भी है, ऐसे सैटेलाइट्स आपके अर्थ के राउंड अबाउट रिवॉल्व करते रहते हैं। जरूरी नहीं है कि जियो स्टेशनरी हो, ऑर्बिट अगर आप इस हाइट से अलग भी ले लोगे तो भी वो वर्क करते रहेंगे। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमने इनको जियो स्टेशनरी ही रखना है। ये बच्चों आपके अर्थ का ट्रांसमिटिंग स्टेशन है, आपका सिग्नल यहां से जो है मोबाइल नेटवर्क टेलीफोन ऑफिस जो है यहां से सैटेलाइट को भेजा गया MTSO, ठीक है जी। यहां से सिग्नल आपका इस सैटेलाइट को चला गया, राइट, ये सिग्नल आपका फिर इस सैटेलाइट को कम्युनिकेट कर दिया गया, एंड देन इट इज कम्युनिकेटेड टू दिस सैटेलाइट एंड देन टू दिस सैटेलाइट। इस तरीके से आपका पूरे का पूरा ग्लोब कवर हो जाता है, 12 सैटेलाइट्स जो हैं वो प्रॉपरली अर्थ को कवर कर लेते हैं, चाहे कोई माउंटेन वाला एरिया हो तो या अदरवाइज प्लेन एरिया हो। जिस जगह पर आपको सिग्नल रिसीव करना है मोबाइल टेलीफोन स्विचिंग ऑफिस के जो आपके बेटे सेंट्रल यहाँ पे इनको कंट्रोल किया जाता है, वहां पे इनके इंडिविजुअल टावर लगे रहते हैं, तो वो उस पर्टिकुलर टावर को लोकेट कर लेगा। मान लीजिए आप यहाँ से इधर किसी से बात करना चाहते हैं तो ये सैटेलाइट से जो सिग्नल है आपके अदरवाइज ग्लोबली अपोजिट एंड को पहुंच जाएगा। आप जैसे कभी देखते हैं कि फ्यू माइक्रो सेकेंड्स का टाइम डिले रहता है आपके सिग्नल भेजने और यहाँ पे रिसीव होने में, तो दैट टाइम इज टेकन अकॉर्डिंग टू द कैलकुलेशन ऑफ स्पीड ऑफ लाइट विद विच द सिग्नल्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, लाइट नहीं TEM वेव्स होती हैं आपकी, और ये सारे का सारा आपका सिस्टम ग्लोब कवर कर लेगा, राइट बेटा। सो ये एक ओवरव्यू है, इसकी जरूरत नहीं वैसे आप लोगों को, ये एक सिर्फ आपको समझाने का था कि ये आपके सैटेलाइट्स काम कैसे करते हैं और सैटेलाइट में असल में होता क्या है ये भी थोड़ा सा समझिएगा। आप लोगों ने अगर कई बार देखो टीवी पे वो दिखाते भी हैं, हल्का सा सैटेलाइट का फोटो भी दिखाते हैं, ये कुछ ऐसा उन्होंने बनाया होता है हाइपोथेटिकल सा, और अगर आपने कहीं देखा हो उसका फोटो ऐसे होता है, आई होप आपने देखा होगा ऐसे होता है, ठीक है। यहाँ पे ये आपके सोलर पैनल लगे रहते हैं और ये सैटेलाइट है आपका,
इस सैटेलाइट को सोलर सेल पावर देते रहते हैं। और ये आपका अपना प्लेनेट अर्थ है, ठीक है जी। और यहाँ पे इसमें बेटे हाई रेजोल्यूशन कैमरास भी लगे रहते हैं, थर्मल कैमरास भी होते हैं, अदरवाइज बाकी डिफरेंट भी होते हैं। तो ये मान लीजिए एक सिंपल कैमरा की अगर बात कर लें, तो ये कैमरा आपके अर्थ की इतनी सरफेस को बेटा जो है ये कवर करता हुआ चला जा रहा है। जैसे जैसे सैटेलाइट ऐसे ऑर्बिटिंग कर रहा है, तो ये इतनी आपकी अर्थ की सरफेस पर जो है स्ट्रिप कवर होती जा रही है। इसकी रिकॉर्डिंग वीडियोग्राफी जो है वो साथ साथ हो रही है। आप लोग कई बार गूगल मैप्स देखते हैं, किसी पर्टिकुलर कंट्री में लोकेशन आप आई थिंक ऐसा कुछ आजकल देख पाते हैं, है ना बेटा। तो वो दैट इज विद द हेल्प ऑफ दीज टाइप ऑफ सैटेलाइट्स ओनली बेटा। सो ये कुछ सैटेलाइट्स का बेटे कंसेप्ट है, चाहे वेदर फॉरकास्टिंग है या आपका बेटे जो है कम्युनिकेशन है, या कुछ सीक्रेट सर्विसेज भी होती हैं तो मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए, मिलिट्री पर्पस के लिए, उनके लिए भी ये काफी हेल्पफुल रहता है। सो इज द इम्पोर्टेंस ऑफ योर बेटा सैटेलाइट्स। क्लियर बेटा? विद दिस थ्योरी पार्ट इज ओवर। किसी भी बच्चे को कोई भी बात पूछनी है तो यू आर मोस्ट वेलकम बेटा। पूरे चैप्टर में आपका कोई भी पॉइंट आपने पूछना है तो यू आर मोस्ट वेलकम। अदरवाइज लेट अस स्विच ओवर टू द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेटा। ऑल वेल? बिल्कुल अदिति, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना? एनसीईआरटी की बुक मेरे पास, मुझे नहीं मिली है तो मैं ये उठा लाया हूँ। इस पे भी उन्होंने दिए हुए हैं क्वेश्चंस। आइए कुछ एनसीईआरटी बेस्ड प्रॉब्लम्स पहले करते हैं बेटा, उसके बाद आगे चलेंगे। कल आपको मैंने एक आइडिया करवाया था कि अगर आप एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी से अपने ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट कर देते हो तो इंटरस्टेलर स्पेस में आपको कितनी उसकी नेट वेलोसिटी जो है मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 18 इसी के साथ रिलेटेड है। आइए इसको एक बार समझें और सॉल्व करने की कोशिश करें बेटा। प्रॉब्लम नंबर 18, लेट अस कंसंट्रेट अपॉन दिस बेटा। मैं पढ़ के सुनाता हूं, आप ध्यान से समझ लीजिएगा। एस्केप वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये आप निकाल चुके हो, उन्होंने सिर्फ आपको दोबारा बताया ही है कि अर्थ के लिए ये इतनी होती है। अगर वो नहीं भी देंगे तो भी चलेगा, है ना। इफ ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड आउट विद थ्राइस दिस स्पीड, आपने किसी बॉडी को इस स्पीड से 3 गुना स्पीड से आउटवर्ड प्रोजेक्ट कर दिया। फाइंड द स्पीड ऑफ द बॉडी फार अवे फ्रॉम द अर्थ, आपको स्पीड ऑफ द बॉडी फार अवे फ्रॉम द अर्थ निकालना है। इग्नोर द प्रेजेंस ऑफ द अदर प्लैनेट्स एंड द सन। कल आपको मैंने आई थिंक बोला भी था बेटे, एक बार करके देख लेना, एंड मुझे नहीं लगता कि आपका टाइम लगा होगा। किया था किसी बच्चे ने? ठीक है, मैं समझ सकता हूँ बेटे, कोई बात नहीं है। तो आइए प्रेजेंटली करके देख सकते हैं हम। कल हमने जो किया था वी डैश का फॉर्मूला, कोई भी स्टूडेंट बोल दीजिए, एनीवन फ्रॉम योर साइड बेटा, अंडर द रूट। हाँ जी रमन, वी का स्केयर माइनस एस्केप वेलोसिटी का स्केयर। तो आप वैल्यूज पुट कर दीजिए, फिर तो कुछ भी नहीं रह गया, आपको तो आता ही है, आप टाइम ही नहीं निकाल पाए, तो वो टाइम अब आ गया। बी क्विक देन ऑल ऑफ यू बेटा। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, मुश्किल कुछ भी नहीं, आसान सीधी सीधी बातें, फिजिक्स बहुत आसान। और बाकी आप सारा जानते ही हैं। हो गया जी, कोई मुश्किल काम नहीं है, कैलकुलेशन भी आसान है।
इधर ऑनलाइन वाले बच्चे अंजलि, ख्याति, अर्शप्रीत, राघव एंड इश्नूर, जपन, प्रीत, मंजोत एंड मिताली, आप लोग सॉल्व कर रहे हैं ना साथ साथ आप? हाँ जी ठीक है, ओके ओके, थम्स अप दिखा रहे हैं बच्चे, इट मीन्स की लगे हुए हैं काम में, वेरी गुड। इसको कैलकुलेशन भी करना है साथ साथ। हाउ मच बेटा? अरे भी बोलो बच्चों, कितना आ गया भाई उत्तर? इतना टाइम थोड़ी लगना चाहिए। बी डैश आपका जो है 3 टाइम्स एस्केप वेलोसिटी का बेटा स्क्वायर माइनस एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर, ये था ना उत्तर, और यही था है ना, ये आ गया 9 टाइम्स एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर। अब क्या करें बच्चों? 9 माइनस 1 8 होता है, 8 टाइम्स एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर। अब क्या करें? ये इट इज √8 इंटू एस्केप वेलोसिटी कर लें। √8 कितना होता है? 2√2 होता है। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, √2 की वैल्यू पता है आपको, 1.414, उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, उसको 11.2 से करो। हाउ मच बेटा? करिए जल्दी जरा, सारे स्टूडेंट्स जल्दी से कर दीजिएगा, इतना टाइम मत लगाइए, अब आप 11th स्टैंडर्ड में हैं, उसको छोड़ दो, सिग्निफिकेंट फिगर को नहीं लेना यहाँ पे, वो पहले चैप्टर में ही देखना है अगर वो कहें तो, अदरवाइज नो नीड। √10 को भी हटा दीजिए, √10 में कुछ नहीं चाहिए। 31.36, इट इज 31.68, ये किलोमीटर्स में आ रहा है ना बेटे आपका? यस, किलोमीटर्स पर सेकंड बेटा 68 है, बाकी थोड़ा बहुत कैलकुलेशन में आपका हो सकता है कि चेंज आ जाए। हाँ जी, ठीक है, सब ठीक है बेटे, नो प्रॉब्लम विद दैट। तो यहां तक कर सकते हो आप अगर आपको लगता है, नो प्रॉब्लम। चलें आगे, एक बड़ा स्पेशल न्यूमेरिकल सिर्फ आप लोगों के लिए, मैं नहीं सॉल्व करूंगा, आप ही करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 15 है ये, आपका एनसीईआरटी का है बच्चों, लेट मी रीड इट आउट फॉर यू एंड आप साथ साथ सॉल्व कर लेंगे। बहुत आसान सा प्रॉब्लम है वैसे, फिजिक्स अगर आप रेगुलर हैं तो आसान ही है। नोट करिएगा, ए बॉडी वेज 63 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। किसी बॉडी का वेट अर्थ की सरफेस पर 63 न्यूटन के बराबर का है। ए बॉडी वेज 63 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट ड्यू टू द अर्थ एट ए हाइट इक्वल टू हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ। आप इसको एट ए हाइट इक्वल टू 1/2 ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ ले गए हो, वहां पे ग्रेविटेशनल पुल इस पे कितना होगा, दिस इज रिक्वायर्ड। क्या वो पूछना क्या चाह रहे हैं वैसे, क्या पूछना चाह रहे हैं वो? वो क्या होती है, वेट को ही कहते हैं, वो आपको वेट एट ए हाइट एच निकालने को कह रहे हैं, हो जाएगा बेटा। आपका नाम भूल गया मैं, हाँ बोलिए फिर, फॉर्मूला बोलिए। गुड, ना 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 ना,
इसके साथ एक लिमिटेशन भी लिखवाई थी मैंने, वो आपने नहीं लिखी होगी फिर, है ना। आप यस वेरी राइट वेरी राइट। योर गुड नेम? अच्छा दिलजीत। वेट एट ए हाइट एच, दिस इज वेट ऑन द सरफेस, आर का स्क्वायर आर प्लस, तो कर दीजिए फटाफट, अब तो कुछ भी नहीं रह गया। हरी अब ऑल ऑफ यू, ये नहीं लिखा हुआ, आपने बोला कुछ और है ना। चलिए चलिए जल्दी करिए, फिर एक और न्यूमेरिकल सिमिलर टाइप का आपके लिए आ रहा है। बी क्विक ऑल ऑफ यू, एच की जगह ये पुट कर दो फटाफट, अपने आप सॉल्व होगा, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अपने आप चलता चला जाएगा। अंजलि, ख्याति, अर्शप्रीत, राघव और विष्णूर, जपन, प्रीत, मंजोत, मिताली, बच्चों कर रहे हैं काम की नहीं कर रहे हैं आप लोग? यस विदा, ओके करते जाइए करते जाइए, वेरी नाइस, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, फटाफट सॉल्व करिए। वंश, हाउ मच, डू इट क्विकली ऑल ऑफ यू, सहज। आपका नाम मैं फिर आपका भी भूल गया, आपका नाम जैकलिन, यस यस, इट इज 28 न्यूटन, बिल्कुल ठीक आपका कैलकुलेशन, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। सारे स्टूडेंट्स मैच कर लीजिएगा, ऑल ऑफ यू आर गेटिंग 28 न्यूटन और नॉट, नहीं आया तो मुझे बताइए, मैं कर देता हूं, कर दो एक बार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए देखिए, डियर चिल्ड्रन, वेट एट ए हाइट एच, वेट ऑन द सरफेस आर का स्क्वायर, आर प्लस आर बाई टू कितना होता है, आर प्लस आर बाई टू, थ्री बाई टू आर आएगा आएगा, तो ये थ्री बाई टू आर का सारे का स्क्वायर कर लें, क्या कहते हो, ये वेट आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर नाइन एंड फोर, ये खत्म हो गया, वेट 63 इंटू फोर बाई नाइन, गेटिंग इट और नॉट, साथ मिलता जुलता एक और आपके लिए, गेट रेडी, बिल्कुल साथ वाला ही प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, स्टेटमेंट में बोल रहा हूं लिखने की जरूरत नहीं है। अज्यूमिंग द अर्थ टू बी ए स्फीयर ऑफ यूनिफॉर्म मास डेंसिटी, हाउ मच वुड ए बॉडी वे हाफ वे डाउन टू द सेंटर ऑफ अर्थ, किसी बॉडी का वेट आपको निकालना है जब उसकी डेप्थ रेडियस के हाफ के बराबर हो जाती है, और आपको क्या दिया गया है, इफ इट वेट 250 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, इसका वेट अर्थ की सरफेस पे 250 न्यूटन है, और आपको कहा गया है जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपको पता ही है, ठीक है, सरफेस पे वेट इतना है, इतनी डेप्थ पे वेट निकालना है, फार्मूला आपको आता है, है ना वैभव, फार्मूला आपको आता है कि भूल गए हो, नमन पुत्र,
वेट एट ए डेप्थ डी के लिए फॉर्मूला दिया था हमने फ्यू डेज बैक, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है। इधर इस बच्चे का नाम उठ जाइए फिर फटाफट बोलिए बेटा पुत्र, वेट एट ए डेप्थ डी किसके बराबर होगा? वेट ऑन द सरफेस, वेरी नाइस, इनटू वन, वेरी नाइस वेरी नाइस बेटा, यही था, कर दीजिए फटाफट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। वेट एट ए डेप्थ डी बच्चों ने निकाल भी दिया है, आप लोग कैलकुलेशन में काफी अच्छे हो गए हैं, दैट्स नाइस। तो चेक कर लो सबका आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखिए ऑल ऑफ यू बेटा हो गया जी सबका, आसान है वैसे तो, मुश्किल नहीं है। चलें आगे, चलिए बेटे फिर लिखिए एक और प्रॉब्लम। वी हैव फर्दर मेडिकल मिल नहीं रहा बेटा, अभी अभी मैं देख रहा था, यस बेटे लिख लीजिएगा बेटे, ए रिमोट, पहले सुन लेना बेटे थोड़ा लेंथी है स्टेटमेंट, इतना फिर टाइम होगा नहीं आपके पास। ए रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट ऑफ अर्थ इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ हाइट 400 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सरफेस से 400 किलोमीटर की हाइट पर एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट बेटा मूव कर रहा है, रिपीट करूंगा मैं, ए रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट ऑफ द अर्थ इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ द हाइट 400 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, व्हाट इज द ऑर्बिटल स्पीड, आपको इसकी ऑर्बिटल स्पीड निकालनी है। सेकेंडली पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द सैटेलाइट, टाइम पीरियड आपको निकालना है, रेडियस ऑफ अर्थ आपको गिवन है बेटा 6.4 × 10⁶ मीटर्स, और आपकी कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए उन्होंने ये छोड़ दिया है कि बच्चे आसानी से कैलकुलेट कर ले। एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, आपकी कैलकुलेशंस को आसान बनाने के लिए उन्होंने 10 आपको लेने के लिए कह दिया है। तो ये छोटा सा पॉइंट है, आप इसको जरूर सॉल्व कर लीजिएगा बेटा, बाकी कल हम बेटे ये इसकी एक्सरसाइज कंप्लीटली बाय ऑल मींस फिनिश कर लेंगे, आप थोड़ा सा आज इसको देख के आना बेटा। सो कल आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, मंडे ऑनवर्ड्स वी विल बिगिन विद रोटेशनल मोशन एंड ऑल दैट। थैंक यू ऑल।